हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुराग चौहान और मैं जुड़ गया हूँ दिव्या के साथ पैड यात्रा में और ये है मेरी पीरियड स्टोरी। पैड यात्रा आरजे दिव्या के साथ सिर्फ रेडियो सिटी 91.1 पर। जब मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़े 2012 के, उसने बताया 180,000 औरतें मर रही हैं बिकॉज ऑफ पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। कई औरतों को आज ये नहीं मालूम, वो सोचती हैं कि ये तो श्राप भगवान ने हमको दे दिया। रेत का इस्तेमाल होता है, बजरी का इस्तेमाल होता है, मिट्टी का इस्तेमाल होता है, राख का इस्तेमाल होता है। एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट कैन एब्जॉर्ब लिक्विड, सूखी पत्ती से लेकर राख तक वो इस्तेमाल करती हैं गांव में आज भी। दैट लीड्स टू डेथ, स्लो डेथ, जिनके बारे में इन औरतों को ज्यादा मालूम नहीं है। हमने बहुत सारे मिथ्स के बारे में जानना चाहे, जयपुर की आपके कुछ खास चीजें हैं जो मिथ्स वहां पे आपने फेस की। आप मंदिर में भी गए थे लेके लोगों को। What was surprising कि उस दिन बहुत औरतें जो मंदिर के अंदर आई वो menstruating। एक इत्तेफाक की बात है कि ये ऐसा हो रहा था। The women commissioners felt that this is a big achievement for us कि वो आज मंदिर आ गई हैं औरतें। तो मैंने उनको बोला कुछ भस्म हो गई क्या? नहीं हुई ना। कुछ हुआ तुम लोगों को? कुछ नहीं हुआ। तो हमने वहाँ पर उनको प्लांटर्स गिफ्ट किए, तुलसी के प्लांट। मैंने उनको कहा कि आप इन तुलसी के प्लांट पे रोज पानी डालिए और मैंने उनको बोला जिस दिन आप महावारी, जिस दिन आपको हो, उस दिन भी आप इस पे पानी डालिए, देखें किसका सूखता है किसका नहीं सूखता। तो जब मैं गया तो अगले महीने तो वो बिल्कुल झाड़, इतना बड़ा झाड़ हो गया था। तो वो कही भैया ये तो इतना बड़ा हो गया, सूखा नहीं। तो मैंने कहा कैसे नहीं सूखा? ये तुम्हारी सास ने, तुम्हारी दादी ने तुम्हें बताया नहीं था कि ये सूख, इसमें तुलसी को छूना नहीं चाहिए। पानी डाल दिया तुमने तो प्राप्त कर दिया, तो सूख जाना चाहिए था। तो उन लोगों को समझ में आ गया कि ये क्या बात कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर के बाद आई थिंक सैनिटरी नैपकिन का जो इन्वेंशन है वो सबसे बड़ा इन्वेंशन है औरतों के लिए। अब आपके पास सैनिटरी नैपकिन है, लोग तो भाग रहे हैं उसको लगाकर। तो इन औरतों को धीरे 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 करने, अब जब इनके साथ हमने बातचीत करनी शुरू करी, इनको सिखाया, इनको बताया, तो ये समझने लगी कि ये सब चीज़ें सिर्फ एक कहानी है जो बनाई हुई है इनके खिलाफ। सो जो चीज़ें, जो रूल्स, जो टैबूज हैं, ये एक जमाने पर लागू होते होंगे, पर आज 21वीं सदी में ये सब बेकार है। लोगों ने मुझे चैलेंज किया, आप क्यों कर रहे हो और कैसे कर सकते हो? एक मर्द होकर आप क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में? एक आदमी होकर क्यों बात कर रहे हैं कि आपके पास और कोई काम नहीं है? शायद वो एक रीजन था कि मैंने उसके ऊपर और ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अनुराग, अ मैसेज फॉर एवरीबॉडी हु विल बी वाचिंग दिस वीडियो और जो रेडियो पे मुझे सुनेंगे। आप सब लोगों को एक मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आप कभी भी ये ना सोचें कि मेंस्ट्रुएशन एक गंदी चीज है। ये एक गिफ्ट है आप सब लेडीज को, जिस वजह से हम जैसे लड़के या लड़की पैदा हो सकते हैं। हाय, मेरा नाम है अनुराग चौहान और मैं हूँ एक पीरियड हीरो और ये है मेरी पीरियड स्टोरी। पैड यात्रा आरजे दिव्या के साथ सिर्फ रेडियो सिटी 91.1 पर।